नमस्कार फ्रेंड्स, हम टू मेन फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बूंदी के लड्डू, वो भी बिना बूंदी बनाए हुए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लिया है मैंने हाफ कप चना दाल। चने की दाल को अच्छे से धो लीजिए 3 से 4 बार। और फिर चने की दाल को साफ पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगा के छोड़ दीजिए। हमारी जो दाल है वो सोख हो चुकी है और जो इसका एक्सेस पानी है आप वो निकाल दीजिए और इसको एक ग्राइंडर जार में पीसने के लिए डाल दीजिए। अभी मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो हमारा बैटर है वो पकौड़े की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अभी भी ये बैटर थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने इसमें लगभग 2 टीस्पून पानी डाला है। हमारा बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, एकदम पकौड़े की कंसिस्टेंसी का। और अब लीजिए एक फ्लैट पैन, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसमें डालिए देसी घी। देसी घी से किसी भी चीज़ का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छे से घी को मेल्ट कर लीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिए। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब एक चम्मच की मदद से जो चने दाल का बैटर है उसको पकौड़े के शेप में घी में डाल दीजिए। ध्यान रखिए जो गैस है वो मीडियम रखिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगी तो हमारे जो पकौड़े हैं वो बाहर से कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। हमको चाहिए कि जो हमारा पकौड़ा है वो अंदर से और बाहर से एक जैसा कुक हो। अगर ये ओवर कुक हो जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि हमको क्रिस्पी पकौड़े चाहिए। तो ये ओवर कुक हो जाते हैं तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये अंडर कुक नहीं होने चाहिए। पकौड़े जो हैं हमारे कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं। अब एक स्ट्रेनर पे निकाल लीजिए ताकि जो उसका एक्सेस घी है वो निकल जाए। पकौड़ों को स्ट्रेनर में ही रहने दीजिए ताकि जो एक्सेस घी है वो निकल जाए और हमारे पकौड़े ठंडे भी हो जाएं। पकौड़े ठंडे हो चुके हैं। अब एक ग्राइंडर जार में पकौड़ों को डालिए। ध्यान रखिए पानी का यूज़ नहीं करना है, हमको पकौड़ों को कोर्सली ग्राइंड करना है, यानी दरदरा पीसना है, तभी तो परफेक्ट बूंदी के लड्डू बनेंगे। अब हमें तैयार करनी है चाशनी। उसके लिए लिया है मैंने 1 कप चीनी, 1 कप पानी, और उसको चलाते रहिए। गैस को लो मीडियम फ्लेम पे ही रखिए। कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिए। 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से कुक होने दीजिए, जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आने लग जाए, यानी उबाल ना आने लग जाए। हमारी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो गई है। हमको लड्डू बनाने के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि 1 तार हुआ है कि नहीं तैयार, तो आप एक प्लेट लीजिए, उसमें 1-2 ड्रॉप चाशनी के डालिए, उसको ठंडा कर लीजिए, फिर अपनी उंगलियों की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि 1 तार
बन रहा है कि नहीं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमको एक तार की चाशनी चाहिए। देखिए एक तार की चाशनी तैयार हो गई हमारी। अब हम डालेंगे इसमें 2 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर के, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपके लड्डुओं का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर मैंने डाला है 2 टीस्पून इलायची पाउडर, और अब हम डाल देंगे अपने पकौड़ों का दरदरा पीसा हुआ पाउडर। अब इसको अच्छे से चला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। हमारा हमको चाहिए कि ये जो पकौड़े का जो पाउडर है ये चाशनी को अच्छे से सोख ले, इसलिए गैस को मीडियम रखिए और इसको चलाते रहिए, क्योंकि अभी भी जो हमारा जो मिक्सचर है ये बहुत पतला है, इससे अभी लड्डू तैयार नहीं होंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता 1/4 कप, 1/4 कप काजू। आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। ये हमारा लड्डू का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। इसको ठंडा कर लीजिए। अब एक थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और अपने हाथों से लड्डू के शेप में रोल करिए। ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है हमको, हल्के हाथ से आप लड्डू को रोल करिए। इस लड्डू का स्वाद बिल्कुल बूंदी के लड्डू का होता है और उतनी मेहनत भी नहीं है। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है अपने घर में। तो देर किस बात की, त्योहारों का सीज़न तो आने ही वाला है। घर पे बनाइए ये लड्डू और अपने परिवार वालों को खिलाइए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।